तो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इन डिटेल देखा अगेन व्हाट इज एलसीआर सर्किट। हमने लास्ट लेक्चर में वापस से डिटेल में देखा था एलसीआर सर्किट, मतलब सीरीज को एसी थ्रू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर इंडक्टर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो हम लोग उसको वापस अब डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी दो बार हो गया। इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज द एवरेज पावर थ्रू रेजिस्टेंस, एवरेज पावर थ्रू इंडक्टर, एवरेज पावर थ्रू कैपेसिटर एंड एवरेज पावर थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर, बराबर। तो विल जंप टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें ज्यादा इक्वेशंस नहीं है, डिराइव कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो तुमने अब तक सीखा है उसके एप्लीकेशन है ये। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशंस। तो ये एलसी ऑसिलेशन क्या होता है समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 12th में देखा। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट 10th नंबर एंड 12th नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन तीन चैप्टर में जो आपने कुछ टॉपिक सीखे थे उसका एप्लीकेशन है एलसी ऑसिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैपेसिटर में अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यू मे हैव अ कैपेसिटर विच इज सिलेंड्रिकल, यू मे हैव कैपेसिटर विच इज स्फेरिकल, बट हम नॉर्मली बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की। और अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, डज नॉट मैटर रियली। व्हेन यू टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनिशियली दोनों प्लेट्स अनचार्ज होती है, देर आर नो चार्जेस ऑन एनी ऑफ दिस प्लेट्स। तो जब तुम क्या करते हो, चार्जिंग करते हो, चार्जिंग जैसे आपके मोबाइल फोन का बैटरी को चार्जिंग करते हो, तो मोबाइल फोन का बैटरी कैपेसिटर जैसा होता है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग जब तुम पहला चार्ज लाए, नो वर्क इज डन, क्योंकि अपोज करने के लिए कुछ नहीं था। फिर हर बार तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लाओगे, एक प्लेट पे डिपॉजिट करोगे, कैपेसिटर के एक प्लेट पे डिपॉजिट करोगे। तो हर बार जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ला रहे हो तो वर्क इज डन, क्योंकि वहां पे पहले से जो चार्ज था वो क्या करेगा, अपोज करेगा। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर में चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि चार्ज ही आ रहा था तो वो तो स्टोर होने वाला है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि तुम जब चार्ज को ला रहे थे तो जो ऑलरेडी चार्ज थे प्लेट पे वो क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। तो तुमने क्या किया, वर्क डन किया। और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, तो ये एनर्जी स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में, जिसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। और उसका फॉर्मूला होता है Q2/2C। तीन फॉर्मूला बनते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, Q2/2C और हाफ QV। तो तीन फॉर्मूला बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी क्यों बता रहा हूँ, एल सी ऑसिलेशन, तो इसमें जो सी है वो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है, पता होना चाहिए। ये नॉलेज आपको चैप्टर नंबर 10 से आपके पास आया। चैप्टर नंबर 12 में तुमने क्या सीखा, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो चैप्टर नंबर 10 में तुमने क्या सीखा, चैप्टर नंबर 8 में तो बता दिया व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वेयर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वेयर, क्लियर। अब ये पता होगा तो आपको एलसी ऑसिलेशन समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर, एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर इज Q2/2C, बराबर। तो एलसी ऑसिलेशन मतलब देखो ये सर्किट बहुत सिंपल है, इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं है, इस सर्किट में सिर्फ एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है हमने पैरेलल में थ्रू अ की, थ्रू अ की। यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स हियर, कोई बैटरी नहीं है, नथिंग, सिर्फ एक जगह पे है इंडक्टर और एक साइड पे है कैपेसिटर, दैट्स ऑल यू हैव। गुड,
तो यहाँ पे है कैपेसिटर, और पहले जो कैपेसिटर था वो फुल्ली चार्ज था। फुल्ली चार्ज होना मतलब दिस इज फुल्ली चार्ज। तो फुल्ली चार्ज का मतलब होता है यहाँ पे ये जो लेटेस्ट से ये जो चार्ज है, सो कैपिटल क्यू बोल देता हूँ मैं, 100% चार्जिंग, मतलब मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। ओके, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एनर्जी है, दैट इज व्हाट इट मींस। उसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर है, थोड़ा सा इंडक्टर मेरे को बड़ा दिखाना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो। तो उसके बाद हमारे पास एक इंडक्टर है, और इंडक्टर कॉइल होता है, तुमको पता तो है ही, यू नो व्हाट इज इंडक्टर, इट इज अ कॉइल। और जो कैपेसिटर है ना, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है सी, जो इंडक्टर है इसका इंडक्टेंस का वैल्यू है एल। यहाँ पे एक की है जो अब तक ओपन है, क्लोज नहीं किया। तो आपने, व्हाट यू हैव डन इज यू हैव कनेक्टेड कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर टू एन इंडक्टर टू अ की। इनिशियली द की इज केप्ट ओपन, की ओपन मतलब सर्किट ब्रेक है, मतलब करंट पास होगा क्या? नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा, सो देयर इज नो करंट। अगर इसमें करंट नहीं है, रिमेम्बर करंट नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड हियर, करेक्ट। तो पूरा का पूरा एनर्जी किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब किसके अंदर है? कैपेसिटर के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए इनिशियल सिचुएशन है। मैं चार अलग अलग सिचुएशन दिखाऊंगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड वी आर इनिशियली टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन इन विच कैपेसिटर इज फुली चार्ज, देर इज नो के इंसर्टेड, मतलब देर इज नो करंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनिशियली इस केस में जितना भी एनर्जी है वो पूरा का पूरा एनर्जी है ओनली इन कैपेसिटर, एंड दैट एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी। सिर्फ बुक टू बुक नोटेशन अलग है, शायद आपके बुक में क्यू जीरो स्मॉल क्यू जीरो अपॉन टू सी लिखा है, या क्यू जीरो इज टोटल चार्ज, क्यू जीरो इज चार्ज और कैपेसिटर इज फुली चार्ज। ओके, तो नोटेशन वेरी करेगा, डोंट वरी अबाउट नोटेशन। इन दिस केस देयर इज एब्सोल्युटली नो करंट, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट नहीं हुआ। अब केस टू में क्या करेंगे? What we will do now is, हम अब यहाँ पे की को इंसर्ट कर देंगे। की इंसर्ट करना मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया, मेक कंडीशन में आ गया, मेक कंडीशन में आ गया तो करंट विल स्टार्ट होगी। एंड यू नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और याद रखना ये डीसी करंट है, एसी करंट नहीं है, दिस इज नॉट एसी, बिकॉज कैपेसिटर इज अ डीसी सोर्स, इट इज नॉट एसी सोर्स। ओके, तो फिर क्या होगा? जैसे जैसे करंट पास होगा, करंट पास होना मतलब चार्ज कम होना यहाँ से, ठीक है? बैटरी यूज में आ गया ना, कैपेसिटर यूज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग हो रहा है। सर्किट कंप्लीट होना मतलब कैपेसिटर सर्किट में करंट भेजता है, करंट भेजना मतलब उसकी एनर्जी यूज होती है, मतलब कैपेसिटर का डिस्चार्ज चालू हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक कि तुम पहले मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे थे, हमने मोबाइल फोन का बैटरी चार्ज कर रहे थे, फिर तुमने चार्जर निकाल लिया, नहीं यूजिंग इट, यूज करोगे तो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे भी अभी ये यूज होने लग गया तो डिस्चार्ज होगा। जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज कम होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक विद दिस पॉइंट। इज दिस क्लियर? एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्मॉल क्यू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन दिस केस इज, ये हो जाएगा, इसको यू डैश बोल देता हूँ मैं, यू डैश टी, इट इज क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम हो गई तो कहाँ गई? मैग्नेटिक फील्ड में, बराबर? क्योंकि रिमेम्बर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर ये कम हो गया तो कहाँ गया? फिर कहाँ गया? मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस इंस्टेंट पे अगर सर्किट में करंट आए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ एल आई स्क्वायर है, बराबर? अब जब तक कि यहाँ पे तुमने इंसर्ट करके रखा है, कंटिन्यूअसली कैपेसिटर का डिस्चार्ज होता रहेगा,
तो कंटिन्यूअसली कैपेसिटर का डिस्चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज चलता रहेगा, उसका डिस्चार्ज होता रहेगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि कैपेसिटर कंप्लीटली हो गया डिस्चार्ज, और जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होता है तो मैक्सिमम फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स, सो देयर इज मैक्सिमम फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि जब जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया तो करंट इन द सर्किट भी क्या है, मैक्सिमम है, पीक करंट है, मैक्सिमम करंट है। तो इस केस में क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी मैक्सिमम हो गया। इसको आप बोलोगे हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अभी तक हम लोग ऑसिलेशन पे गए नहीं, अब तक तो ये सिर्फ एक साइड है। यू नो व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? टू एंड फ्रो। ऑसिलेशन मतलब होता है टू एंड फ्रो, वाइब्रेशंस। अब तक क्या हुआ, हमारे पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर था, हमने उसको कनेक्ट कर दिया अक्रॉस एन इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कॉइल, वहां पे की था जो ओपन था, की ओपन था तो सर्किट ब्रेक है तो करंट पास नहीं होगा, तो सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर में है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी गिवन बाय क्यू स्क्वायर बाय टू सी, वेयर कैपिटल क्यू इज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज। गुड, देन यू इंसर्ट अ की, कैपेसिटर स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है और कॉइल में करंट बढ़ रहा है, कॉइल में करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जब कैपेसिटर पे चार्ज स्मॉल क्यू हो गया तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्यू स्क्वायर बाय टू सी हो गया, और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कॉइल में से करंट था आई, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी आ गया वो आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। ऐसा करते 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 कैपेसिटर विल बिकम कंप्लीटली डिस्चार्ज, मतलब कैपेसिटर का पूरा ही एनर्जी खत्म, और वो कहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था रिमेम्बर, तो पीक वैल्यू पे जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो फ्लक्स बढ़ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है वो भी बढ़ गया, कितना हो गया, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, राइट। ये ऑसिलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, तो टू एंड फ्रो मतलब टू तो मैं आ गया, अभी वापस जाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी में, ये टू है, वापस बैक कन्वर्जन होगा। अब बैक कन्वर्जन क्यों होगा, उसका रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब तुमने की इंसर्ट किया, करंट बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेम कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, उसको बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। तो उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया, इंड्यूस ईएमएफ ने क्या जनरेट कर दिया, इंड्यूस करंट, और अगर आपको याद है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ओरिजिनल करंट को अपोजिट होता है, बराबर। तो हो ये रहा था कि जैसे जैसे ओरिजिनल करंट पास हुआ वैसे वैसे यहाँ पे इंड्यूस करंट भी बढ़ने लग गया, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट, क्लियर है बराबर, ओके। तो जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, सारा का सारा एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गया, तो उस केस में जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में करंट चालू हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर का चार्जिंग वापस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन विद अपोजिट पोलैरिटी। क्यों, मैं जब बोलता हूँ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था, नहीं, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर का प्लेट क्या था, पॉजिटिव, नीचे का क्या था, अब करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज, तो प्लेट्स का पोलैरिटी भी चेंज होगा, ऊपर का प्लेट हो जाएगा, नीचे का होगा पॉजिटिव। तो ये जो इंड्यूस करंट है जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो इलेक्ट्रॉन को उल्टी डायरेक्शन में घुमाने लगता है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन भी अपोजिट, मतलब अब वापस से कैपेसिटर का चार्जिंग चालू हो गया। तो रिमेंबर कैपेसिटर स्टार्ट्स इट्स चार्जिंग अगेन, तो वापस से यहाँ पे आप देखोगे वापस चालू हो गया चार्जिंग, चार्जिंग चालू होगा मतलब फ्लक्स कम होने लग जाएगा,
और ओरिजिनल करंट को अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो करंट का डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा अपोजिट। और रिमेम्बर रिमेम्बर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट गेटिंग एक्विरेट हियर, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। ऐसा करते 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 वापस एक स्टेज ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि अगर इंड्यूस करंट की वैल्यू बढ़ती है, इंड्यूस करंट ओरिजिनल करंट क्या करता है, अपोज। सही है? तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया था, ओरिजिनल करंट ने। ओरिजिनल करंट का अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज सपोज ये ओरिजिनल करंट का नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ। इंड्यूस क्या करेगा, अपोजिट करेगा। तो इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में है। बराबर? तो एक स्टेज ऐसा आने ही वाला है, एक स्टेज ऐसा आएगा ही जिसमें क्या होगा पता है, जिसमें ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी जीरो, तो वो एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो गया, कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वापस से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सही है? करेक्ट, राइट। अब फिर वापस अगर आप देखोगे फुल्ली चार्ज हो गया, तो वापस से यहाँ करंट चालू हो जाए, फिर ये करंट वापस रन हो रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा है। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगी। फिर एक स्टेज आएगा जहां पे कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, ऑल द एनर्जी इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर इंड्यूस करंट की वजह से फिर उल्टे डायरेक्शन में करंट आएगा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी वापस से मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, ऐसा चलता जा रहा है। तो क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। हेंस दिस आर कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशन बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर यहां तक? तो बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। इक्वेशंस तो एक दो ही तुमको लड़ने वाले थे, डिराइव तो कुछ करना नहीं। तो याद रहेगा, ये याद रहेगा, बहुत सिंपल सर्किट है। एक सर्किट है जिसमें दो आर्म है, इसमें बैटरी नहीं है, एक्सटर्नल बैटरी नहीं है, इसमें एक है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, एक है इंडक्टर, एक है की। वो की डायग्राम में दिखाया नहीं है, वो वहां पे लिखा होगा कहीं पे लेकिन दिखाया नहीं है डायग्राम के अंदर। जैसे ही की क्लोज किया, तो इनिशियली की क्लोज करने से पहले पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर था ओनली इन कैपेसिटर, विच इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी। द मोमेंट यू क्लोज द की, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग एंड द करंट रन थ्रू इंडक्टर। एज द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ। बराबर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मैग्नेटिक एनर्जी में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में। क्लियर? तो जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है, एक से जैसा आएगा कैपेसिटर विल बी कंप्लीटली डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो पूरा का पूरा एनर्जी स्टोर हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो रहा था, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वॉज इंक्रीजिंग, मतलब चेंजिंग। When the flux link with the coil changes, an EMF is induced, मतलब current is induced and this current is in opposite direction. तो यहाँ पे जो opposite direction का current था, वो अब उल्टे direction में circulate होगा, मतलब अभी वो कैपेसिटर का चार्जिंग चालू कर देगा लेकिन विद अपोजिट पोलैरिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी वो कहाँ लेके जा रहा है, कैपेसिटर में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। Then there will be a stage in which magnetic field becomes zero and the capacitor is fully charged. तो चलता रहेगा ऐसा, इसको बोलते हो LC oscillation. अब इसके बाद है रेजोनेंट सर्किट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंट सर्किट्स, अगेन अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेजोनेंट सर्किट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये रेजोनेंट सर्किट का मतलब क्या होता है। तो कभी सुना है क्या रेजोनेंट सर्किट? सुना है रेजोनेंस, आपने सुना है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में, वो रेजोनेंस क्या था पता है क्या?
एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जब मैच होता है देन द इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट वाइब्रेटिंग या एयर कॉलम स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको बोलते हो रेजोनेंस। बेसिकली रेजोनेंस का स्टेशनरी वेव बनते हैं, दैट इज द आइडिया। अब एसी सर्किट में रेजोनेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ये एसी सर्किट्स है, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ और इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एसी सर्किट में मैं पूरा का पूरा सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम एल लगा सकते हो, सी लगा सकते हो, आर लगा सकते हो, तीनों भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट है, मैं इसको एक्स बोल देता हूँ। दिस एक्स कैन बी रेजिस्टेंस, दिस एक्स कैन बी इंडक्टर, दिस एक्स कैन बी कैपेसिटर, दिस कैन बी एलसीआर इन सीरीज टुगेदर। बराबर। होता क्या है? होता यह है कि जो ईएमएफ है ना, ये होता है E0 sin ω t, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इज 2 π × f, f इज लीनियर फ्रिक्वेंसी। क्लियर? तो इन एन एसी सर्किट व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज ग्रेजुअली चेंज, स्लोली चेंज, तो तुम जब फ्रिक्वेंसी को तुम स्लोली चेंज कर रहे हो, तो चेंज कर रहे हो एफ को, एफ क्या चेंज करेगा? ओमेगा। रिमेम्बर, तो जब तुम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट या तो मिनिमम हो जाएगा या फिर मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैंने इससे बोला था कि वो रेजोनेंस और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट सेम है, वहां पे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन होता है, राइट? तो इन एन एसी सर्किट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट इज ग्रेजुअली चेंज्ड एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इम्पेडेंस ऑफ सर्किट बिकम्स मिनिमम और मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस। तो जब एक सर्किट का इम्पेडेंस या तो मिनिमम हो जाए या फिर मैक्सिमम हो जाए, तो क्या बोलते हो? रेजोनेंस। और इम्पेडेंस क्या है अब वो बताने की जरूरत नहीं है, है ना? बोलते हैं ना हम लोग, इनको इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? वन एंड ओनली इम्पेडेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल सी एन आर टू एंड ए सी कराया। गुड। तो एक सर ऐसा आएगा जब इम्पेडेंस की वैल्यू या तो मिनिमम होगी या फिर मैक्सिमम होगी, उसको बोलोगे रेजोनेंस। क्या बोलोगे? रेजोनेंस। और सर्किट को बोलोगे रेजोनेंट सर्किट। सर्किट को क्या बोलोगे? रेजोनेंट सर्किट। तो इन एन एसी सर्किट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट या फिर ऑफ एसी इज ग्रेजुअली चेंज्ड, देयर विल बी अ स्टेज और स्टेट और कंडीशन एट विच द इम्पेडेंस ऑफ सर्किट बिकम्स मिनिमम और मैक्सिमम। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एंड द सर्किट इज कॉल्ड एज रेजोनेंट सर्किट। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट। हम पहले डिस्कस करेंगे सीरीज रेजोनेंस, फिर देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट्स। नंबर वन इज सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस, जो सीरीज रेजोनेंस है ना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो जो कल हम एलसीआर की बात कर रहे थे, वो ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट ही था। मतलब सीरीज रेजोनेंस में बेसिकली तुम इंडक्टर को, कैपेसिटर को और रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हो। तो यू कनेक्ट एल सी एंड आर, एल सी एंड आर इन सीरीज। तो ये आ गया आपके पास इंडक्टर, यू हैव दिस एज कैपेसिटर एंड यू हैव दिस एज रेजिस्टर, एल सी आर, करेक्ट? तो अ सर्किट इन विच एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर इज कॉल्ड एज सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये ना तक। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दिस, ई एल मतलब ई एम एफ अक्रॉस इंडक्टर, ई एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, एक्स एल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज गिवन बाय ओमेगा एल। वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना समझेंगे नहीं। यहाँ पे ई सी इज आई एक्स सी, वेर एक्स सी इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज गिवन बाय 1 upon ω c। तो एक्स एल और एक्स सी ये पता होना चाहिए आपको, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इक्वल टू 1 upon ω c एंड ई आर इक्वल टू आया। और तीनों में हमने करंट सेम लिखा क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में करंट होता है सी। बराबर। सिर्फ अगर आपको ई एम एफ
के साथ कंपेयर करना है, लीड लैग कंपेयर करना है तो वो बता रहा हूँ। हमने करंट की डायरेक्शन शुरू से ही फिक्स करके रखी थी अलोंग एक्स एक्सिस, तो करंट तीनों केस में है अलोंग एक्स एक्सिस। सिर्फ जो ईएमएफ है ना, इंडक्टर के केस में क्या होता है, लीड होता है, लीड लीड होता है। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, लैग होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, नो लीड नो लैग। हाँ ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड वाइज वो ज्यादा है, दैट इज ओके, वो ठीक है, वो भी आप समझ लेना, दिस इज व्हाट इट इज। यहां तक क्लियर? फिर अगर आपको याद होगा, हमने हमने फेजर डायग्राम बनाया था, अभी मैं वापस नहीं करूंगा क्योंकि दो तीन बार हो गया। अब वो फेजर डायग्राम हमने बनाया था, हमको आंसर मिला था ई इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर, जिसको तुम बोलते हो इम्पेडेंस, राइट? तो ये है इम्पेडेंस तुम्हारा जेड, तो दिस इज नथिंग बट ई इक्वल टू आई जेड, वेयर जेड इज इम्पेडेंस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। तो देयरफॉर यहां से आई मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके बराबर। यहां से आई मिल जाएगा ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। और याद रखना, रेजोनेंस में मैंने बहुत क्लियरली बताया आपको कि यहाँ पे या तो इम्पेडेंस मिनिमम होगा या तो इम्पेडेंस मैक्सिमम होगा, या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। तो सीरीज रेजोनेंस में इम्पेडेंस मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है, क्या होता है, मिनिमम होता है। याद रखना, इम्पेडेंस मिनिमम कब होगा ये बताओ। ये इम्पेडेंस है, इम्पेडेंस की वैल्यू मिनिमम कब होगी मुझे ये बताओ। जब एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू हो जाए सेम, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है ओमेगा पे, और हमने स्टार्ट ही यहां से किया कि हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, ओमेगा फ्रिक्वेंसी। ध्यान दो क्योंकि इजी टॉपिक है, नहीं दोगे तो गए काम से। रिमेम्बर स्टार्ट ही यहां से किया, मैंने तीन चार बार बोला कि एसी सर्किट में हम जब फ्रिक्वेंसी तो सर्किट को ग्रेजुअली चेंज करते हैं, तो ऐसा कंडीशन बनता है जिसमें इम्पीडेंस या तो मिनिमम है या तो मैक्सिमम है, इसको बोलते हो रेजोनेंस सर्किट को बोलते हो रेजोनेंस सर्किट। मतलब द होल आइडिया बिहाइंड रेजोनेंस सर्किट इज दैट यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। एंड एज यू कैन सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोथ डिपेंड ऑन ओमेगा। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा था, मतलब मैं ओमेगा चेंज कर रहा था, तो एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू भी चेंज हो रही थी। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे एक्स एल इक्वल टू बन जाएगा एक्स सी, तो जेड बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, मतलब आर। ये है इम्पेडेंस का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, जीरो इज नॉट मिनिमम हियर। इम्पेडेंस जीरो हो ही नहीं सकता है, तो क्यों नहीं सकता है, लॉजिकल, लॉजिकली स्पीकिंग। मैं जब एक सर्किट बनाता हूँ ना, तो उसमें वायर वायर तो लगाएंगे ना हम लोग, और कोई भी वायर हो उसका बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस होता है, तुम रेजिस्टेंस को जीरो कर ही नहीं सकते हो। तो ये इम्पेडेंस जीरो कब होगा, जब रेजिस्टेंस जीरो हो, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो होता है क्या, नहीं। तो ये मिनिमम वैल्यू है किसका, इम्पेडेंस, क्या है ये, इम्पेडेंस का मिनिमम वैल्यू। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस, जेड इक्वल टू आर। तो इफ यू सी, मैंने अभी बताया था E इक्वल टू आई जेड बराबर, तो आई इक्वल टू ई बाय जेड, लेकिन जेड क्या है, आर है। इम्पेडेंस मिनिमम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट? तो व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, इम्पेडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम, हेंस द करंट इज मैक्सिमम, बराबर, हेंस द करंट इज मैक्सिमम। तो पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक एक्सिस पे करंट प्लॉट करेंगे, एक एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी प्लॉट करेंगे। हम प्लॉट करेंगे लीनियर फ्रिक्वेंसी, लीनियर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, ओके। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं करंट। तो होता क्या है, जैसे जैसे तुम फ्रिक्वेंसी चेंज करते हो एफ, वैसे वैसे चेंज होता है ओमेगा। ओमेगा चेंज होगा
एक्स एल और एक्स ए की वैल्यू चेंज होगी, एक्स एल और एक्स ए की वैल्यू चेंज होगी तो इम्पेडेंस का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि इम्पेडेंस एक्स एल और एक्स ए पर डिपेंड करता है। इम्पेडेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो ऑलवेज मेक अ लिंक व्हेन यू आर चेंजिंग लीनियर फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि तुम 50 हर्ट्ज बोलते हो वो लीनियर फ्रिक्वेंसी होता है, एंगल क्या होता है 2 पाई है। तो हमारे पास जो 50 हर्ट्ज आता है वो लीनियर है, एंगल कितना हो गया 100 पाए। तो मैंने अगर एफ चेंज किया तो ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा चेंज किया तो एक्सएल और एक्सए की वैल्यू चेंज हुई, एक्सएल और एक्सए की वैल्यू चेंज हुई तो इम्पेडेंस चेंज हुआ, इम्पेडेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज हुआ। वेरी गुड। तो व्हेन आई एम चेंजिंग और बेसिकली इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी, तो यू विल सी दैट द करंट इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये पर्टिकुलर वैल्यू को तुम बोलते हो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हो? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, डिनोट करते हो FRs। इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, उसके बाद वापस से करंट की वैल्यू होती है कम, डिक्रीज होती है। लेकिन तुमने अभी बोला करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब इम्पेडेंस मिनिमम होगा, बराबर। तो इम्पेडेंस मिनिमम जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है तो क्या बोलते हो? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ना तो क्लियर? तो इफ इम्पेडेंस इज मिनिमम करंट इज मैक्सिमम। अब ये जो सर्किट है एलसीआर सीरीज सर्किट, उसको और एक नाम है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? एक्सेप्टर सर्किट। इसको एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये रेडियो रेडियो है तुम्हारा, तुम्हारा जो नॉर्मली घर में तुम रेडियो यूज करते हो ना, पुराना रेडियो देखा है कभी जिसमें नॉब होते थे? वही तुम कर रहे हो, तुम फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ नॉब। तुम जब नॉब घुमाते हो ना, 98.5 FM सुनना है, आवाज नहीं आ रही, तो नॉब घुमाते हो है ना, तक कर 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 हो जाता है, फिर बोलते 98.5 FM में आपका स्वागत है। तो क्या हुआ? पहले पीछे फिजिक्स समझ लो, तुम जब नॉब घुमा रहे थे तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, जब आवाज आ रही थी खराब, एक स्टेज ऐसा आया कि यू हियर क्रिस्टल क्लियर वॉइस, वो हो गया रेजोनेंस। मतलब उस केस में एक्सएल और एक्सए की वैल्यू हो गई सेम, और एक्सएल और एक्सएल की वैल्यू सेम हो गई तो इम्पिडेंस हो गया मिनिमम, तो करंट हो गया मैक्सिमम। तो ये जो एक्सेप्टर क्यों बोला है, क्योंकि ये ऐसा सर्किट है वो सिर्फ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को पास होने देता है। क्या करता है? पास होने देता है। तो करंट करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैन पास, बाकी सारे करंट को वो ब्लॉक करता है। तो सिर्फ किसको एक्सेप्ट करता है? करंट करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर सर्किट। रिमेम्बर दिस, काम की चीज है। दिस इज नॉर्मल सर्किट दैट यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ, दैट इज रेडियो। अभी तो तुम लोग रेडियो यूज करते नहीं होंगे, अभी तो सबके मोबाइल फोन में ही कर लेता है, तो घर में अगर पुराना रेडियो पड़ा होगा तो उसको खोल के देखो, तुमको मिलेगा एलसीआर अपना। ओके, और डू दिस एक्सपेरिमेंट, करना चाहिए। वी यूज टू डू इट अलॉट, हमारे टाइम में तो वो वॉकमैन आते थे, पता नहीं होगा, कैसेट्स आते थे पहले, उसके लिए वॉकमैन था ना, इतना बड़ा डब्बा था। तो अभी तो सब आउटडेटेड है, तो जो पुराना पड़ा होता सामान खोल खोल के देखते हैं हम लोग क्या है उसके अंदर, मैग्नेट मिलता है, क्योंकि कैसेट जो था ना वॉकमैन में, इट नीड्स मैग्नेटिक फील्ड टू वर्क। तो अभी तुम्हारे पास चांस है, क्योंकि रेडियो तो तुम यूज करते नहीं हो, घर में पड़ा होगा कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ओपन करके देखो एलसीआर करके निकलेगा बाहर वहां से। तो लेट अस अगेन गो थ्रू व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस इज नथिंग बट सीरीज एलसीआर, ठीक। ये सीरीज एलसीआर सर्किट है नॉर्मल वाला जो हमने सीखा है, क्योंकि हमने सीखा है तो हमको पता है। हमको क्या पता है? E इक्वल टू आई आर, ई आर इक्वल टू आई आर, ई एल इक्वल टू आई एक्स एल और एक्स एल इक्वल टू ओमेगा है, राइट। और ई सी इक्वल टू आई एक्स सी, तो एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा c। दिस इज व्हाट यू नो ऑलरेडी, गुड। एंड यू ऑल्सो नो दैट इन दिस केस ई इक्वल टू, मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ, इन तीनों का मिला के वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट आया ई इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ सी
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर। इसमें जो ये अंडर रूट के अंदर टर्म है इसको बोलते हो इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इम्पेडेंस। तो ए इक्वल टू आई जेड आ गया, तो आई इक्वल टू ई बाय जेड आ गया। जेड आ गया मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एक्सएल और एक्स सी की वैल्यू चेंज होगी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। उसका फॉर्मूला डिराइव करके देना, बाकी अभी करके दोनों में। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल की वैल्यू हो गई इक्वल टू एक्स सी, मतलब इम्पेडेंस की वैल्यू बन गई आर। ये इम्पेडेंस का मिनिमम वैल्यू है। तो इम्पेडेंस का वैल्यू मिनिमम है तो करंट एंड इम्पेडेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सही है, इम्पेडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा करंट मैक्सिमम। फिर हमने ड्रॉ किया उसका ग्राफ। अभी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसपे एक्सएल और एक्सए की वैल्यू सेम होगी, जिसपे इम्पेडेंस मिनिमम हुआ करंट मैक्सिमम हुआ, इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करोगे? वेरी सिंपल, एक्सएल इक्वल टू एक्स सी, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/LC। ठीक है, ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में रेडियन पर सेकंड में दिया है, जैसे 1/सेकंड में दिया है वो देख के फाइंड कर लेना। अगर रेडियन पर सेकंड बोला होगा तो ओमेगा, तो ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लीनियर सही है, इट इज 2/f, ओमेगा इज 2/f, लेकिन ये क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एफ क्या लिखूंगा? एफ आर 1/√LC। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1/√LC। मिल गया, डन, गुड, बराबर। तो जो नोट्स में दिया है मैंने वही बताया, सिर्फ सिक्वेंशली नहीं बताया क्योंकि लिखने का सीक्वेंस और समझने का सीक्वेंस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ना पहले ये ड्रॉ किया, आपके नोट्स में डायग्राम आखिरी में दिया हो, ये क्यों ड्रॉ किया? समझने के लिए कि इम्पेडेंस मिनिमम हुआ तो करंट क्या हुआ? मैक्सिमम हुआ। मतलब एक सर्किट ऐसा है जो सिर्फ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग करंट को ही पास कर होने देता है। इसे क्या बोलते हैं? इसको एक्सेप्टर सर्किट। गुड, अभी आ जाते हैं अगले टाइप के और लास्ट टाइप के सर्किट पे, रेजोनेंट सर्किट लास्ट टाइप, विच इज कॉल्ड एज पैरेलल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल रेजोनेंस। नाम में ही है पैरेलल, पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस नहीं दिखाते। अब संबंधित से पर सर्किट में तो वायर होता है, वायर में तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो इधर क्यों नहीं है? कोई इधर इसलिए नहीं है क्योंकि जब तुम कंपोनेंट्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो ना, ज्यादा वायर लगता है, और वायर ज्यादा लगता है तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो पैरेलल में लगाओगे तो वायर कम यूज होगा, कम यूज होगा तो रेजिस्टेंस तुम निग्लेक्ट कर सकते हो, ऐसा उसका मतलब होता है। ओके, नो सर्किट कैन बी फ्री ऑफ रेजिस्टेंस। तो छोटा सा है, हमने छोड़ दिया उसको, और तुमने यहाँ कर दिया कनेक्ट इन दोनों को पैरेलल में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो यहाँ पे एक ईएमएफ का सोर्स है, यहाँ पे मान लो सी लगा दो, एल लगा दो, जैसा नहीं करना हो वैसा करो। पैरेलल तो पैरेलल है तो फर्क नहीं पड़ता तुम ऊपर क्या लगा रहे हो नीचे क्या लगा रहे हो। तो ये क्या है? इंडक्टर है, और ये कौन है? कैपेसिटर, राइट। इसको एलसी ऑसिलेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, एलसी ऑसिलेशन के साथ कंफ्यूज इसको नहीं करना। एलसी ऑसिलेशन सर्किट में बैटरी नहीं था, सोर्स नहीं था, वहां पे फुली चार्ज कैपेसिटर लगा दिया तुमने, बस। तो वो अलग है, ये अलग है। गुड, देन दिस इज ईएमएफ ई सप्लाइड, एंड यू मस्ट नो अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5, 10, 10,000, 20,000 कंपोनेंट्स पैरेलल में हो, व्हाट इज द ईएमएफ? सीरीज में करंट सेम होता है, ईएमएफ सेम नहीं होता है। पैरेलल में करंट सेम नहीं होता है, ईएमएफ सेम होता है। तो जितना तुमने ईएमएफ लगाया उतना ही ईएमएफ दोनों के अक्रॉस है। तो नंबर वन, अप्लाइड ई एम एफ ई इज इक्वल टू ई एल, एंड ऑल्सो अप्लाइड ई एम एफ ई इज इक्वल टू ए सी।
तो कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस जो तुमने ईएमएफ लगाया है वही अपीयर हो। तो ईएल इक्वल टू ई एंड ईसी इक्वल टू ई बिकॉज दे आर इन पैरेलल, राइट? याद रहेगा, इन पैरेलल सर्किट व्हाट इज सेम ईएमएफ, व्हाट इज नॉट सेम करंट, इन सीरीज सर्किट व्हाट इज सेम करंट, व्हाट इज नॉट सेम ईएमएफ, सही है? तो मान लो यहाँ पे करंट आया था, ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट पे करंट क्या होता है, स्प्लिट होता है। यहाँ पे करंट गया आई एल, यहाँ पे करंट गया आई सी, तो आई क्या आएगा, आई एल प्लस आई सी, ये बिल्कुल नहीं आएगा। सबसे पहली चीज, तुम करंट की डायरेक्शन दिखा ही नहीं सकते, ये एसी सर्किट है। नंबर टू, एसी सर्किट में डीसी सर्किट जैसा नहीं होता है, डीसी सर्किट्स में पहली बार नो लीड नो लैग होता है हमेशा, करंट एंड ईएमएफ और ऑलवेज इन फेज, नो फेज डिफरेंस, क्लियर? यहाँ पे ना इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ लीड्स करंट लैग्स, और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट लीड्स ईएमएफ लैग्स, तो तुम डायरेक्टली प्लस या माइनस लिख ही नहीं सकते। और ये चीज याद रखनी है, इसके लिए मैंने गलती करके बताई कि तुम मत करना ये, तो बताता हूँ अभी करना क्या, मैं बाद में बताता हूँ अभी 2 मिनट में, अभी इस पे आओ फिलहाल, तो इस पे आ जाओ। बट व्हाट इज ई एन आई एक्स एल एंड व्हाट इज ई सी आई एक्स सी? हाँ हाँ करंट अलग अलग है, सही है, आई एल और ये आई एक्स सी, ठीक है। ई एल क्या है, ई है, तो आई एल एक्स एल, और ई सी क्या है, ई है, आई सी एक्स सी, तो व्हाट इज आई एल ई बाय एक्स एल और व्हाट इज आई सी ई बाय एक्स सी, इसको भी याद रखना, काम में आएगा। अभी ये क्यों कर रहा हूं मैं सारा डेरिवेशन, क्योंकि तुमने पैरेलल सर्किट पहली बार देख रहे हो, तुम एलसीआर में नहीं किया, हमने एलसीआर में डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्यों? तो कल ही तो डिराइव किया था, वो ट्रायंगल से किया था कि नहीं ये, लेकिन तुमने पैरेलल सर्किट पहले देखा था क्या? नहीं, तो यहाँ पे ना इक्वेशन ओहम्स लॉ का इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा हमको, इसके लिए सब करना है, यहाँ तक क्लियर? अब इंटरेस्टिंग ये है, हमने अब तक फेजर डायग्राम में किसका डायरेक्शन फिक्स किया था, करंट, यहाँ उल्टा करेंगे। यहाँ पे क्यों उल्टा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ईएमएफ सेम है, तो अब यहाँ पे ना ईएमएफ का डायरेक्शन फिक्स कर देंगे, ये है ई, और करंट वेक्टर को रोटेटिंग बनाएंगे। तो इंडक्टर में कौन लीड करता है, ईएमएफ, तो एंटी क्लॉकवाइज में आगे कौन होना चाहिए, ईएमएफ, तो ये मैं बता देता हूं इंडक्टर का करंट आई एल, सही। कैपेसिटिव सर्किट में या कैपेसिटर के अक्रॉस कौन लीड करता है, करंट, तो करंट होना चाहिए यहां पे, ये है करंट थ्रू कैपेसिटर, सही है? जैसे हमने सीरीज एलसीआर में दो केसेस देखे थे, ईएल ग्रेटर देन ईसी और ईसी ग्रेटर देन ईएल, यहाँ भी दो केसेस बना, कौन से दो केसेस, आईसी ग्रेटर देन आईएल या फिर आईएल ग्रेटर देन आईसी, जैसे हमने वहां पे एक ही केस डिस्कस किया था, आपको पता कि दूसरा तुम खुद करो, मैंने बता दिया था वैसे आपको, लेकिन मैंने बोला था कि नॉर्मली दैट इज फॉर यू, वैसे ही यहाँ पे होगा, दो में से हम लोग एक ही केस डिस्कस करेंगे, आई सी ग्रेटर देन आई एल, आई सी ग्रेटर देन आई एल, और आपको पता होना चाहिए आई आई और रिएक्टर का रिलेशन क्या है, इनवर्स, तो अगर आई सी ग्रेटर देन आई एल है तो एक्स सी लेस देन एक्स एल होगा, लेस देन एक्स एल होगा, ये पता होना चाहिए, ये पक्का। और इफ यू नो कि आई सी इज ग्रेटर देन आई एल, तो रिजल्टेंट कहाँ गया, वेरी गुड, इन डायरेक्शन ऑफ, और इसे क्या बोलोगे, आई सी माइनस, ये है आपका नेट करंट, तो जो तुम पहले बोल रहे थे ना आई सी प्लस आई एल, आई सी प्लस आई एल नहीं है वो, आई सी माइनस आई एल, वो भी इस कंडीशन की वजह से आया, अगर मैं उल्टा लिखता आई एल ग्रेटर देन आई एल ग्रेटर देन आई सी लिखता तो रिजल्ट ज्यादा नीचे, क्योंकि
तो क्या लिखते हैं, आई एल माइनस आई सी इक्वल टू आई, तो ये पता होना चाहिए आई इक्वल टू आई सी माइनस आई एल। लेकिन आई सी क्या था, ई बाय एक्सएल, और ये क्या था, ई बाय एक्स सी। हाँ उल्टा उल्टा, ओके गुड गुड गुड, जाग रहे हो। ओके देन यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपको, ई ई कॉमन आ गया, 1/xc माइनस 1/xl, व्हाट इज इम्पीडेंस, ओहम्स ओहम्स लॉ के हिसाब से इम्पीडेंस क्या है, ई इक्वल टू आई जेड, तो जेड इज ई बाय आई, जेड इज ई बाय आई, मुझे ई बाय आई चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाके डिवाइड करता हूँ, तो 1/1/xc माइनस 1/xl, यहाँ ई था और ये जो आई था ये यहाँ आ गया, आ गया, तो ये बन गया आपका इम्पेडेंस। क्या बन गया, इम्पेडेंस। तो इस सर्किट में, इस सर्किट में इम्पेडेंस क्या है, 1/1/xc माइनस 1/xl, ये है इम्पेडेंस। बराबर, क्लियर, पक्का पक्का। अगर इम्पेडेंस को मैक्सिमम होना है, क्योंकि सीरीज में मिनिमम होता है, दो टाइप के सर्किट थे ना, रेजोनेंस के दो टाइप के सर्किट थे, एक था मिनिमम इम्पेडेंस, एक था मिनिमम, तो हो गया कौन सा था, सीरीज, तो ये कौन है मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस क्या आई थी, आर। अभी तुमको क्या चाहिए, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंफिनिटी, तो इसको इंफिनिटी बनाना है, तो डिनोमिनेटर होना चाहिए जीरो। तो इफ एक्स सी इक्वल टू एक्सएल, इसी को नोट में थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिया हो। हाँ हमको ऐसा करना नहीं है, हम स्मार्ट है ना, हम अपना स्मार्टनेस यहाँ दिखाएंगे। ओके जेड इक्वल टू 1/1/xc माइनस 1/xc, क्योंकि दोनों क्या है सेम, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया जीरो, तो व्हाट इज 1/0, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इम्पेडेंस क्या है, मैक्सिमम, देयरफॉर जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम। अगर जेड मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स, देयरफॉर करंट इज मिनिमम। क्लियर है अब तक, गुड राइट। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वापस से फाइंड करेंगे हम लोग, करना क्या है वही है, रेजोनेंस कब हुआ यहाँ पे, एक्स इक्वल टू एक्सएल, पिछले केस में कब हुआ था, तो भी तो सेम हुआ था, तो फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। हम फिर भी एक बार कर लेंगे, लेकिन पहले ये डायग्राम, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अगर ये डायग्राम मैं इस केस में प्लॉट करता हूँ पैरेलल रेजोनेंस में, तो इस केस में, पिछले केस में क्या हुआ था याद है, पिछले केस में क्या हुआ था, इम्पेडेंस मिनिमम हुआ था, करंट मैक्सिमम हुआ था, तो तुम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू आया, फिर क्या हुआ, कम, या उल्टा है, तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, करंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मिनिमम वैल्यू आएगा फिर वापिस से बढ़ेगा। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ना, करंट की मिनिमम वैल्यू मतलब इम्पेडेंस की मैक्सिमम वैल्यू, ये कौन से फ्रिक्वेंसी पे होता है, रेजोनेंस, और इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, अब इसको रिजेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सर्किट है ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग जो करंट है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो करंट आता है सिर्फ उसको रिजेक्ट करता है, बाकी सबको एक्सेप्ट करता है, अलाउ करता है, पास करता है। आप बोलोगे ऐसा कैसा, अरे जब रेजोनेंस हुआ तब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हुआ, तब इम्पेडेंस क्या हुआ, इम्पेडेंस इनफाइनाइट मतलब रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब सर्किट इज लाइक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में कब से करंट पास होने लग गया, होता है क्या, हाँ। तो डीसी को ध्यान में रखो, मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है ना तो फिर दिक्कत होगी। डीसी में क्या होता है, मैं वायर को काट देता हूँ, क्या हो, रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, करंट पास होगा नहीं होगा, तो वो वैसा सिचुएशन है। इम्पेडेंस मैक्सिमम मतलब इंफिनिटी होना मतलब सर्किट इज लाइक ब्रेक ओपन, सर्किट अगर ओपन है तो इसमें से करंट पास होगा नहीं,
मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग जो करंट था उसको ये पास ही नहीं होने देता है, बाकी सबको अलाउ करता है, एक को रिजेक्ट करता है। तो क्या बोलोगे इसको? रिजेक्टर सर्किट। क्लियर है तक? पक्का श्योर? फिर वही रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तुमको, तो फिर वही स्टोरी है। एक्सएल इक्वल टू एक्स सी है, ओमेगा एल इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एल सी है, ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ एल सी है, ओमेगा 2 पाई एफ आर है, तो 2 पाई एफ आर इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एल सी, तो एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाय रूट ऑफ एल सी। हो गया, गुड, क्लियर? तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ उसको, वन लास्ट टाइम। पैरेलल रेजोनेंस, तो पैरेलल रेजोनेंस में हमारे पास एल और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एल और सी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दे आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो दे आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक? ओके, तो यहाँ पे हमने लगा दिया मान लो कैपेसिटर, यहाँ पे लगा दिया हमने इंडक्टर, यहाँ पे लगा दिया हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। यहाँ था कैपेसिटर, यहाँ था इंडक्टर एल और सी। गुड गुड गुड, पक्का पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर, क्योंकि ये पैरेलल में है तो करंट सेम नहीं लेकिन ईएमएफ सेम है, मतलब ई इक्वल टू ई एल है और ई इक्वल टू ई सी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ई एल होता है आई एल एक्सएल, लेकिन ई एल खुद क्या है? ई है, तो आई एल एक्सएल, और ई सी होता है आई सी एक्स सी, तो E इक्वल टू आई सी एक्स सी, तो आई एल हो गया E अपॉन एक्स एल, और यहाँ पे आई सी हो गया E अपॉन एक्स सी। अनलाइक डीसी करंट तुम डायरेक्टली आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस में जब करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस और ईएमएफ इन फेज होते हैं, लेकिन इंडक्टर से पास होता है तो ईएमएफ लीड करता है, करंट लैग करता है, और जब कैपेसिटर से पास होता है तो करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करता है। तो जब तक तुमको एग्जैक्ट फेज डिफरेंस नहीं पता तो प्लस माइनस कुछ लिखना नहीं। आप दोनों थोड़ा एक बेंच पे एक बैठ जाओ, डबल सीटर बंद कर दो, चलो उठो वहां से जल्दी जल्दी जल्दी। तो इधर 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 इधर, माई आईज आर आई थिंक गुड एंड इफ आई एम लुकिंग हियर, मतलब आई एम लुकिंग हियर। अरे इस रो में दो बेंच खाली है, उससे पहले वाली बेंच की बात कर रहा हूँ, ब्लू एंड व्हाइट। मुझे नाम नहीं लेना, रिकॉर्डिंग में चला जाएगा ना। हाँ ओके, क्विक, वन ऑन वन बेंच प्लीज, नो 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 डबल सीटर, नो 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 नो, थैंक यू, गुड। अरे आई एब्सोल्युटली हैव नो प्रॉब्लम विथ योर गॉसिप्स, सिर्फ मेरी क्लास में नहीं बस। हाँ तुम क्लास के बाद बैठ जाओ यहाँ पे, 7 बजे तक ओपन होता है, बिल्कुल बड़बड़ करो, कोई नहीं रोकेगा, कोई रोका तो मुझे बताओ फिर। ओके गुड, चलो ठीक है डन। अभी आ जाते हैं वापस फिजिक्स के पार्ट पे। तो बात ये थी कि हम आई इक्वल टू आई सी प्लस आई एल लिख नहीं सकते, हम आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी लिख नहीं सकते, मतलब अंडर सर्टन कंडीशन यू हैव टू राइट, यू कैन नॉट राइट डाउन डायरेक्टली। तो तुमको पहले चेक करना पड़ेगा, हमको पता है एक केस में करंट लीड कर रहा है, एक केस में करंट लैग कर रहा है, ई एम एफ सेम है, तो जो सेम होता है पिछले केस में एल सी डी पे कौन सेम था? इसके लिए उसको फिक्स किया था हम एक्स एक्सिस, यहाँ पे कौन सेम है? तो इसको फिक्स कर देंगे, मतलब ये रोटेट नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं, इसको फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता है। समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग इज फिक्स, तो इस केस में ऐसा है कि ई एम एफ इज नॉट चेंजिंग, तो करंट यहाँ पे जाएगा किसका? इंडक्टर का। नहीं बराबर बोल रहे हो ना, आईसी बोलना चाहिए था, तुमने इंडक्टर बोल दिया। ओके करेक्ट गुड, यहाँ पे कौन होना चाहिए? हाँ ये, क्योंकि ईएमएफ इंडक्टर के केस में लीड करेगा और कैपेसिटर के केस में लैग करेगा, तो ईएमएफ इंडक्टर के केस में आगे होना चाहिए और
और करंट के केस में कैपिटल के केस में पीछे होना चाहिए, ये कौन है आईएल। फिर मैंने वापस बताया कि जैसे पिछला केस था तुमने कुछ अज्यूम किया था ईएल ग्रेटर देन एसी, राइट, यहाँ पे भी अज्यूम करना पड़ेगा आईसी ग्रेटर देन आईएल, सो दैट द रिजल्टेंट इज हियर, दिस रिजल्टेंट आईसी माइनस आईएल, ये है आपका नेट करंट, दिस इज नेट करंट आई इक्वल टू आईसी माइनस आई एल। लेकिन आईसी कौन है, ई बाय एक्ससी माइनस ई बाय एक्सएल, तो आई इक्वल टू ई वन एक्ससी माइनस वन बाय एक्सएल। ओके, तो यहां से व्हाट यू कैन डू इज वन अपॉन एक्ससी माइनस वन बाय एक्सएल इक्वल टू ई बाय आई, और इसको तुम बोलते हो इम्पेडेंस। तो फाइनली तुमने पैरेलल सर्किट में इम्पेडेंस का इक्वेशन कर लिया डिराइव। अभी जो नोट्स है या जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें एक्स सी को बोला है वन अपॉन ओमेगा सी, तो ये वन अपॉन ओमेगा सी ऊपर लेके गए, देखो ऐसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा ओमेगा सी माइनस वन अपॉन, क्या जरूरत है, इट्स नॉट नीडेड। तुमको इम्पेडेंस क्या चाहिए, मैक्सिमम इम्पेडेंस, मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, एट एक्स सी इक्वल टू एक्स एल, तो z इक्वल्स टू वन अपॉन जीरो मतलब इंफिनिटी। इम्पेडेंस मैक्सिमम तो करंट इज मिनिमम, करंट इज मिनिमम। तो जब तुम ग्राफ प्लॉट करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, ये फ्रिक्वेंसी है, ये करंट है, तो तुमको ग्राफ ऐसा दिखता है, दिस इज फ्रिक्वेंसी एफ आर, ठीक है, गुड। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो करंट होता है उसको सर्किट रिजेक्ट करता है, बाकी सबको अलाउ करता है पास कर। नाउ जब मैंने ये ड्रॉ किया तभी किसी ने बोल देना चाहिए था कि गलत है, क्यों गलत है, करंट जीरो होना चाहिए, होगा नहीं, क्यों, मैंने पहले ही बोला हर एक सर्किट में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होने ही वाला है, जीरो कभी नहीं होता, क्योंकि तुमने जो वायर लगा के रखा, तो ये जो इम्पेडेंस है ना, ये इम्पेडेंस का डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होता, इट कैन बी 0.00001, राइट, मतलब वैल्यू ऑफ इम्पेडेंस इज वेरी हाई बट नॉट इंफिनिटी, मतलब सम अमाउंट ऑफ करंट विल स्टिल पास, तो इसके लिए ऐसा रखा है, चलो ठीक है। एनीवेज हो गया यहाँ तक, फिर क्या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एक्स सी इक्वल टू एक्स एल से निकाल लेना, ओमेगा सी इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन बाय एल सी, ओमेगा इक्वल टू वन बाय रूट एल सी, ओमेगा इज 2 पाई f, तो 2 पाई f r इक्वल टू 1 बाय रूट lc, तो f r इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ lc, क्लियर यहाँ तक, गुड। ओके, तो अभी आपके बचते दो छोटे से थ्योरी टॉपिक, दैट वी विल टेक सम टाइम लेटर, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। एग्जाम्पल 13.1, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई ए इक्वल टू 6 sin of 3 114, वेरी गुड, ई इक्वल टू 6 मतलब 6 हो गया पीक वैल्यू ई 0, साइन ऑफ 3 140 मतलब ओमेगा हो गया 314, फाइंड द पीक वैल्यू, हो गया ना पीक वैल्यू 6 खत्म, फाइंड फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी बताता हूँ मैं, टाइम पीरियड एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है वो समझ लो, गिवन में तुम्हारे पास है ई इक्वल टू 6 sin of 3 140, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तुमको फाइंड करने के लिए बोला है नंबर 1 दैट इज पीक वैल्यू इन ऑर्डर, नंबर 2 फ्रिक्वेंसी है, नंबर 3 इज टाइम पीरियड टी, एंड नंबर 4 इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब ईएमएफ का वैल्यू एट टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। इट्स टू सिंपल, आपको सिर्फ पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, क्या होता है, ई इक्वल टू ई 0 sin ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हो तो पीक वैल्यू मिल जाती है, कितनी आती है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट जो ईएमएफ वोल्ट में होता है ना, 6। ओके, नंबर 2 अगर कंपेयर करते हो तो ओमेगा मिल जाता है 314। अभी थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो,
ओमेगा क्या होता है, 2 पाई है, 3 1 4 को मैं 3.14 × 10^2 लिख सकता हूँ क्या? पक्का यस, तो पाई और पाई कैंसल हो गया, तो एफ हो गया 100/2, मतलब 50 हर्ट्ज, मतलब इंडिया की बात चल रही है, 50 हर्ट्ज का सप्लाई है। हाँ वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, बोलेंगे विच कंट्री इज दिस सप्लाई इन, इंडिया में 50 हर्ट्ज आता है पता होना चाहिए, एट अ पीक ऑफ 230 वोल्ट। हाँ गुड, बेसिक्स है, पता होना चाहिए। ये हो गया सेकेंड, अभी क्या चाहिए? टाइम पीरियड। अभी क्या चाहिए आपको? टाइम पीरियड चाहिए। अभी क्या चाहिए आपको? टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई ओमेगा इज 3.14 × 10^2, कैंसल कैंसल, ओके। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेसन कर लो, 1/50 कर लो, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये आ गया 0.02 सेकेंड, हो गया। फिर आपको पूछा है, क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स, E0 मतलब ए 6 है ना, ये 6 sin of 3 1 4 t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? 2 × 10^2 − 3, बराबर नहीं, 0.1 नहीं, यहाँ ध्यान दोगे तो समझेगा, 0.1 करते बैठोगे तो करते ही बैठ जाओगे सब। 10^-3 में से 10^-2 इसको दे दो तो क्या बन गया? 3 पाई × 2 × 10^-1, यू नो हाउ मच इज दिस? 2 पाई, और ये जो है ये गया नीचे, बराबर 6 sin of 5/5, 5/5 is 180/5, 36 sin of 36 is 0.5587 × 6, तो 3 point something आना चाहिए। कोई बात नहीं ना, कैलकुलेटर है हमारे पास, कर लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। 5/5 is 36, तो 36 का साइन वैल्यू 0.5877 × 6, 3.52, 3.52 वोल्ट, हो गया डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन।